झाड़ फूक, टोना टोटका और काला जादू पौराणिक काल से ही मनुष्यों के लिए एक हॉट टॉपिक रहा है। ये सब कुरीतियाँ केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, इनके निशान हमें दूसरे देशों और सभ्यताओं में भी मिलते हैं। आज के समय में इन पर बातें कम होती हैं, मगर फिर भी सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा इसमें विश्वास करता है। एक ऐसी ही कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक शहर से। एक सुबह ऑफिस के लिए तैयार होते वक्त मार्कस स्टीव वुड्स अपने बचपन के बारे में सोच रहा होता है, जब वो अपने पिता के साथ केंटकी में रहा करता था। वो अपने कुछ ऐसे पलों को याद करता है जिन्हें वो चाहकर भी नहीं भुला सकता। 10 साल का मार्क हाँफते हुए भागता है। उसके पिता उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो एक कमरे में घुसता है और उसका दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजे के टूटने की आवाज आती है और मार्क रोने लगता है। वो अपने पिता से कहता है कि वो उसे ना मारे, फिर भी उसके पिता उसे बहुत पीटते हैं। इतना ही सोचकर मार्क का ध्यान टूट जाता है। आज कई सालों बाद भी मार्कस की सुबह की नींद अपने पिता की उन दर्द भरी यादों से ही खुलती है। अब मार्क की शादी हो चुकी है। मार्क की बीवी का नाम वियोरा है। उसके 2 बच्चे भी हैं, बेटा टाय और बेटी सैम। मार्क एक बहुत बड़ा वकील बन चुका है। दौलत की उसे कोई कमी नहीं, केवल उसका अतीत ही है जो उसका पीछा नहीं छोड़ता। मार्क तैयार होता है और ऑफिस पहुँचता है, जहाँ उसे उसका पार्टनर मिलता है जो उसे एक बड़े केस के बारे में बताता है। मार्क अपना लैपटॉप उठाता है और केस की बारीकियों के बारे में छानबीन करने लगता है। काम के दौरान ही मार्क को केंटकी से एक फोन आता है। फोन पर उसे एक व्यक्ति बताता है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। लंच के वक्त ये बात वो अपने परिवार को बताता है, जिस पर उसकी बीवी वियोरा उससे कहती है कि उसने कभी अपने पिता के बारे में खुलकर बात नहीं की। मार्क उसे कहता है कि वो ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना कह सकता है कि वो एक अच्छे इंसान नहीं थे। वो जब छोटा था तभी अपने पिता से परेशान होकर वहाँ से भाग आया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। टाय और सैम भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते और मार्क को भी वापस वहाँ जाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। पर वियोरा उन्हें कहती है कि वो लोग मार्क के पिता के अंतिम संस्कार में जरूर जाएंगे। दोपहर में ही वो सभी अपनी प्राइवेट जेट से निकल पड़ते हैं अंतिम संस्कार के लिए। एपलांच अमेरिका के पूर्वी और उत्तरी पूर्व में पहाड़ों से बना एक क्षेत्र। सूरज की ओझल धूप में हरे भरे खेतों के ऊपर मार्क जेट चला रहा होता है। आसपास पहाड़ दिखने लगते हैं। कमी होती है तो सिर्फ एक गाने की। मार्क रेडियो चलाता है और गाने के सुर निकलते हैं। आई पुट अ स्पेल ऑन यू, यानी कि मैंने तुम पर जादू किया था। मार्क अपनी जवानी के दिन याद करता है, जब उसकी और वियोरा की शादी नहीं हुई थी और वो वियोरा के लिए यही गाना गाया करता था। थोड़ी देर में जेट का फ्यूल खत्म होने वाला होता है और मार्क पास ही बने एक फ्यूल स्टेशन पर लैंड करता है। ये फ्यूल स्टेशन बहुत ही पुराना होता है। टाई फ्यूल भरने लगता है। मार्क स्टोर से खाने पीने का कुछ सामान लेने जाता है। मार्क जब स्टोर के अंदर जाता है तो उसे खाने पीने की चीजों के अलावा कुछ कंकाल और जड़ी बूटियां भी नजर आती हैं। मार्क ये सब देखकर चौंक जाता है। जब मार्क स्टोर में होता है तब टाय के पास गांव का एक लड़का आता है। वो लड़का आकर टाय से बात करता है और टाय से पूछता है कि उसके हाथ की उंगलियां टेढ़ी कैसे हो गई। टाय कहता है कि वो बास्केटबॉल खेलता है और खेल खेल में ही उसके साथ ये हश्र हुआ है। बारिश होने वाली होती है, इसीलिए वो लड़का वहाँ से चला जाता है। मार्क खाने पीने की कुछ चीजें उठाता है और स्टोर के बूढ़े मालिक के पास पैसे चुकाने जाता है। बूढ़े आदमी को पैसे चुकाकर मार्क जब आ रहा होता है तब वो बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या वो उन पहाड़ियों के पीछे जा रहा है, जिस पर मार्क हामी भरता है। बूढ़ा आदमी चौंक जाता है और उससे पूछता है कि क्या सच में उसे वो जड़ी बूटियां नहीं चाहिए। मार्क ना कहता है और बाहर निकलकर पास ही बने टॉयलेट में चला जाता है। मार्क जब टॉयलेट से बाहर आता है तो देखता है कि शहर का पुलिस शेरिफ उनके पास आया है। शेरिफ आकर मार्क से पूछताछ करने लगता है। मार्क उसे बताता है कि वो सिप्रस रिज की तरफ जा रहा है और बिगड़ते मौसम का हवाला देकर वहाँ से जल्द निकलने को कहता है। शेरिफ
तूफान के आसार देखते हुए उसे जाने देता है। शाम होने को है और मार्क वापस उड़ान भरता है। रात होती है और हवाएं तेज बहने लगती है। चारों ओर बादलों का साया नजर आता है। वियोरा और बच्चे ऐसे तूफान को देखकर घबरा जाते हैं। मार्क उन्हें शांत रहने को कहता है। अचानक एक बिजली की कड़कती धार आकर उनके जेट से टकरा जाती है और मार्क वापस अपने बचपन के ख्यालों में खो जाता है। यानी मार्क फिर से नींद में चला गया है। उसके पिता उसे एक सुअर को काटने को कह रहे होते हैं और वो मना कर रहा होता है। उसके पिता गुस्सा होते हैं और खंजर से सुअर पर वार करते हैं। सुअर के बदन से निकला खून मार्क के मुंह पर लग जाता है और मार्क उठकर बैठ जाता है। उठते ही मार्क को हुई पुरानी घटना याद आती है और वो तुरंत अपने बीवी बच्चों को ढूंढने की सोचता है कि तभी उसे एक घंटी सुनाई देती है। वो देखता है कि उसके दोनों पैर में पट्टियां बंधी है। चोट का निशान अभी ताजा है। हाथ और शरीर के बाकी हिस्सों पर भी घाव लगा है। मार्क बेड से उठता है और चलने की कोशिश करता है, पर उसे इतना दर्द होता है कि उसकी चीख निकल जाती है और वो फर्श पर गिर जाता है। वो लंगड़ाते हुए उठता है और खिड़की के पास जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि वो किसी किसान के घर में है। कच्चे मकान है और घोड़े, भेड़ और बकरियों की आवाज आ रही है। मार्क घर के फर्स्ट फ्लोर पर है। चीख सुनकर एक बूढ़ी औरत एलोइस ऊपर मार्क के कमरे में आती है। मार्क एलोइस से पूछता है कि वो कहाँ है और उसकी फैमिली कहाँ है। एलोइस उसे टेढ़े मेढ़े जवाब देती है और उसे सिर्फ आराम करने को कहती है। मार्क वापस उससे पूछता है, जिस पर वो गुस्सा हो जाती है और अपने पति अर्ल को बुलाती है। अर्ल मार्क की बॉडी देखकर समझ जाता है कि उसको उठाना अर्ल के बस की बात नहीं है। अर्ल अपने नौकर लेविस को बुलाता है। लेविस लंबा चौड़ा होता है और उसके हाथ में एक हथौड़ा भी होता है। उसे देखकर मार्क घबरा जाता है। लेविस मार्क को जबरदस्ती उठाकर बेड पे पटक देता है। मार्क वापस अपनी फैमिली के बारे में पूछता है, जो सुनकर अर्ल उससे कहता है कि वो भूल गया क्या कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। अर्ल यह भी कहता है कि उन लोगों को वहाँ से मार्क के अलावा और कोई नहीं मिला था। मार्क बेकाबू हो जाता है और अपनी फैमिली को ढूंढने की बात करता है, जिससे एलोइस गुस्सा हो जाती है और अपनी जेब से एक पाउडर निकालकर मार्क के मुंह पर फूंक देती है और मार्क वापस सो जाता है। एलोइस जाती है और मिट्टी का एक खिलौना बनाने लगती है। अर्ल और लेविस जाकर पास में ही तीन कब्र खोदने लगते हैं। रात को एलोइस जाती है और पाउडर फूंक कर मार्क को जगाती है। मार्क उठते ही फिर अपनी फैमिली की रट लगाने लगता है और एलोइस से उसका टेलीफोन इस्तेमाल करने की इजाजत मांगता है। एलोइस कहती है कि उसके घर पर टेलीफोन नहीं है। फिर एलोइस उसे अपना बनाया खिलौना दिखाती और कहती है कि ये काले जादू की मदद से बनाया हुआ मार्क का खिलौना है और ये खिलौना मार्क की जगह ले चुका है। अब जो जो इस खिलौने के साथ होगा वो सब मार्क के साथ भी होगा। एलोइस अपनी जेब से दो शीशियां निकालती और कहती है, करूँ तुम्हें यूं ऊपर, करूँ तुम्हें यूं नीचे, या फिर करूँ तुम्हें मैं दाएं बाएं, या फिर गोल गोल घुमाऊं, और उस मिट्टी के खिलौने को ले जाकर बंद खिड़की के पास ले जाकर रख देती है और उसके पास नमक छिड़क कर कहती है कि अब उसे कोई शैतान यहाँ से नहीं ले जा सकता। दरअसल एलोइस उसे काले जादू से अपने वश में करने की कोशिश कर रही होती है, मगर मार्क को ये सब बेवकूफी लगती है। एलोइस वहाँ से चली जाती है। एलोइस के जाने के बाद मार्क अपने बेड से उठता है और सबसे पहले दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा नहीं खुलता। उसके बाद मार्क खिड़की खोलने की कोशिश करता है, पर खिड़की भी नहीं खुलती। फिर मार्क उस खिड़की की तरफ जाता है जहाँ वो खिलौना रखा होता है और खिड़की खुल जाती है। मार्क नमक को लांग कर खिड़की से बाहर निकलता है और छत पर चढ़ जाता है। बाहर जोरों की बारिश और कड़कती बिजली उसका इंतजार कर रही होती है। मार्क एक छत से दूसरी छत पर जाता है। दूसरी छत पर उसे एक कमरे में लाइट जलती दिखाई देती है और कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। मार्क वहाँ पीछे जाता है और छत में बने एक छेद से नीचे कमरे में देखने लगता है। कमरे में बहुत सारे बूढ़े लोग बैठकर एलोइस और अर्ल की तरफ देख रहे होते हैं, मानो कोई पार्टी चल रही हो। एलोइस भीड़ में बैठी एक गूंगी औरत को बुलाती है और कहती है वो उसे बिल्ली की जीभ लगाने जा रही है, जिसके बाद वो बोलने लगेगी।
मार्को को ये सब पागलपन लगता है। अर्ल बिल्ली की जीभ काटकर एलोइस को देता है और वो ये जीभ उस औरत की गुड़िया में लगा देती है। वो औरत बोलने लगती है, फिर वो एक बूढ़े आदमी को बुलाती है जो अंधा होता है और कहती है कि वो अब एक बकरी की आंख इस बूढ़े आदमी को देने जा रही है। एलोइस काला जादू करती है और उस आदमी से पूछती है कि वो क्या देख सकता है, जिस पर वो आदमी छत पर बने छेद की तरफ इशारा करता है। मार्क घबरा जाता है और छिप जाता है। एलोइस लेविस को बुलाती है। मार्क समझ जाता है कि अगर वो अभी अपने कमरे में नहीं मिला तो उसकी मौत पक्की है, क्योंकि इतनी बारिश में वो कहीं भाग नहीं सकता। दर्द भी बहुत ज्यादा है और उसे रास्ते भी नहीं पता। एलोइस के पहुंचने से पहले मार्क कमरे में पहुंच जाता है और कंबल ओढ़कर सो जाता है। एलोइस खुली हुई खिड़की और खिलौना भीगा हुआ देखकर समझ जाती है कि मार्क ही वहां से देख रहा था। एलोइस वहां से चली जाती है। मार्क सो गया है। मार्क जब सुबह उठता है तो उसे फोन की रिंग बजने की आवाज आती है। वो नजर फेरता है तो देखता है कि उसके लिए नाश्ता रखा है। मार्क जल्दी जल्दी सारा मांस खा जाता है, क्योंकि उसने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं होता। एलोइस नाश्ते का प्लेट लेने आती है तो मार्क उसे कहता है कि नाश्ता बहुत अच्छा है। एलोइस हंसती है और कहती है कि वो और नाश्ता ला रही है। मार्क खाएगा तभी तो उसके खिलौने में भी जान आएगी। मार्क ताज्जुब करता है और उससे पूछता है कि क्या घर में कोई सेलफोन है। एलोइस कहती है नहीं, शायद उसने चिड़ियों की आवाज सुन ली होगी। एलोइस वापस नाश्ता लेकर आती है और मांस की हड्डियां इकट्ठा कर लेती है। मार्क पूछता है कि इन हड्डियों का क्या काम। एलोइस कहती है कि ये हड्डियां ही हमारा भविष्य बताती हैं, और इस वक्त ये हड्डियां कह रही हैं कि आने वाली चंद्र ग्रहण की रात जब आसमान लाल हो जाएगा तब वो अपनी फैमिली को देख पाएगा। मार्क इस बात पर विश्वास नहीं करता तो एलोइस मार्क को हड्डिया देकर कहती है कि वो जब खुद ट्राई करेगा तो मान जाएगा। मार्क को ये सब बकवास लगता है, पर फिर भी वो एक बार ट्राई करता है। वो सभी हड्डियों को मिलाता जाता है और जब हड्डियों से एक आकार बनता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि ये आकार होता है मार्क के बेटे टाई के हाथ का। वो टाई की टेढ़ी उंगलियों को साफ साफ पहचान पाता है। मार्क को तुरंत उल्टी आ जाती है, क्योंकि उसने अपने ही बेटे का हाथ नाश्ते में खाया होता है। एक बार जब एलोइस किचन में काम कर रही होती है तो मार्क दरवाजा खोलकर निकल जाता है और बाहर निकलकर भागने लगता है। दरवाजा खुला देख एलोइस मार्क को ढूंढने के लिए लेविस को भेजती है। भागते हुए मार्क जंगल में पहुंच जाता है और अपनी टूटी हुई जेट को देखता है। मार्क वापस भागने लगता है पर लेविस उसे आकर पकड़ लेता है और बेहोश करके वापस एलोइस के पास ले जाता है। मार्क जब वापस आंखें खोलता है तो वो फिर से उसी कमरे में होता है। वो खिड़की पर जाकर देखता है कि एलोइस अर्ल और लेविस ब्लड मून यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण की तैयारी के लिए कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं। ब्लड मून का दिन आ चुका होता है। मार्क के पैर का दर्द और बढ़ चुका होता है। अपनी चोट को देखने के लिए मार्क अपने पैर में बंधी पट्टियां खोलता है। जब पट्टियां हटती हैं, तो उसका दर्द बढ़ता है और वो देखता है कि उसके पैर के तलवे में लगभग 6 इंच की एक कील ठोकी गई होती है। मार्क दर्द से तड़पते हुए इस सरिये को निकालता है और फिर उस जगह पहुँच जाता है, उस कमरे में जहाँ एलोइस सारा काले जादू का सामान रखती है। मार्क को वहाँ बहुत सारे खिलौने और लोगों के कटे हुए अंग दिखते हैं। वहाँ उसे एलोइस और अर्ल की जवानी की एक तस्वीर भी दिखती है जिसमें लिखा होता है 1860। मार्क की नज़र एक किताब पर पड़ती है जिसे देखकर उसे पता चलता है कि एलोइस उसके साथ क्या करना चाहती है। एलोइस दरअसल मार्क को मारकर उसे भी अपनी तरह बनाना चाहती है और ये सब केवल ब्लड मून को ही किया जा सकता है। मार्क भी अब कुछ खिलौने बनाता है और उन्हें छिपा देता है। शाम होने लगती है। मार्क को उसी जगह से टाई के फोन की रिंग सुनाई देती है। मार्क फोन अपनी जेब में रख लेता है। तभी एलोइस अर्ल और लेविस वापस आ जाते हैं। मार्क भागकर उसी कमरे में वापस चला जाता है जहां उसे रखा गया होता है, लेकिन वो उस काले जादू वाले कमरे का दरवाजा बंद करना भूल जाता है। अर्ल कहता है
कि अगर फिर मार्क ने भागने की कोशिश की होगी तो इस बार उसे जान से मार डालेंगे। और वो तीनों मार्क के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। मार्क जान जाता है कि अगर वो पकड़ा गया तो उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता, इसीलिए वो वापस उस कील को अपने पैर में घुसा लेता है। एलोइस वहाँ आती है और उसके पैर की कील को चेक करती है। कील उसके पैर के तलवे में ही है। ये देखकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मार्क फोन निकालकर लोकल पुलिस को फोन करता है। फोन वही शेरिफ उठाता है जो उन्हें फ्यूल स्टेशन पर मिला था और कहता है कि वो मार्क की मदद करने आ रहा है। मार्क पैर में ठुकी कील को वापस निकाल देता है, लेकिन तभी एलोइस वापस आ जाती है और मार्क के खिलौने को उठा लेती है। इससे पहले कि मार्क कुछ कर पाए, एलोइस उस खिलौने को बांधती है और उसकी जीभ काट लेती है। खिलौने की जीभ कटने की वजह से मार्क कुछ भी बोल नहीं पाता और एलोइस के कैद में चला जाता है। एलोइस फिर उस खिलौने को खिड़की पर रखकर नीचे चली जाती है, क्योंकि शेरिफ वहां आ चुका होता है। शेरिफ मार्क को ना पाकर वहां से चला जाता है। मार्क खिड़की के पास जाकर वो खिलौना उठाता है और उसे खोलकर भागने लगता है। रात हो चुकी होती है और चारों तरफ अंधेरा होता है। मार्क रोड की तरफ भागता है, जहां आगे चलकर उसे शेरिफ मिलता है। मार्क शेरिफ की गाड़ी में बैठ जाता है और उस खिलौने में जीभ वापस लगा देता है। वो एलोइस के काले जादू की बात शेरिफ को बताता है और शेरिफ गाड़ी चलाता हुआ उसकी बात सुनता जाता है। मार्क जब सामने देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो वापस एलोइस के घर पे आ चुका होता है। एलोइस, अर्ल, लेविस और उस रात की पार्टी में मौजूद सभी लोग वहाँ खड़े होते हैं। शेरिफ मार्क को वहीं छोड़कर चला जाता है। वो लोग मार्क को पकड़कर एक बड़े घर में ले जाते हैं और टेबल पर सुला देते हैं। उसी घर में मार्क की बीवी और बच्चे भी होते हैं, पर वो एलोइस के वश में होते हैं। एलोइस और अर्ल मार्क का दिल चीरने की बात करते हैं। एलोइस एक खंजर अपने हाथ में उठाती है और कहती है कि क्या बाकी सब लोग तैयार हैं? इससे पहले कि वो खंजर चलाए, मार्क अपने पास रखा चाकू निकालता है और अर्ल के सीने पर वार कर देता है। सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और एलोइस लेविस को बुलाती है। मार्क अपने बच्चों टाई और सेम और बीवी वियोरा के मुंह पर वो पाउडर फूंकता है और वो लोग एलोइस के वश से छूट जाते हैं। मार्क टाई का कटा हुआ हाथ देखता है जो एलोइस ने उसे खिलाया था। मार्क अपने बीवी बच्चों को छिप जाने के लिए कहता है और खुद जाकर शेरिफ को मार देता है और शेरिफ की गाड़ी लेकर वापस आता है। मार्क अब लेविस की डोल निकालता है और उसे पानी में डाल देता है। लेविस जब उसे मारने आता है तब उसके मुंह से पानी गिरने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। मार्क अपनी और अपनी फैमिली की सारी डोल उठाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वह एलोइस आ जाती है ताकि वो मार्क को अपने वश में कर सके। मार्क एलोइस पर भी पाउडर फूंक देता है और एलोइस की डोल निकालता है और उसे हवा में उछाल कर उस पर एक हथौड़े से वार कर देता है। एलोइस जमीन पर जा गिरती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। घर में टंगा एक लालटेन गिरता है और पूरे घर में आग लग जाती है। मार्क जाने लगता है कि तभी एलोइस जमीन पर गिरे हुए चाकू को लेकर उसके पीछे आने लगती है। मार्क घर के दरवाजे पर जाकर नमक से एक लाइन बना देता है, जिससे एलोइस उसी कमरे में कैद हो जाती है। अब सब कुछ ठीक हो चुका होता है। सारी डोल्स मार्क के पास होती हैं। उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं। मार्क शेरिफ की कार में बैठता है और अपने बीवी बच्चों के साथ वहाँ से चला जाता है। उस जलते हुए कमरे से आवाज आती है, करूँ तुम्हें यूं ऊपर, करूँ तुम्हें यूं नीचे, या फिर करूँ तुम्हें मैं दाएं बाएं, या फिर गोल गोल घुमाऊं।